खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। भारत माता की बताया सर, आप आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफी अच्छा आपने भव्य आयोजन करा और यहाँ पर जितने भी आपके सहपाठी है और जो आपके काम करने वाले काफी सारे आपके मित्र हैं वो यहाँ पर गाकर अपना देशभक्ति प्रस्तुत कर क्या कहेंगे और आपने भी यहाँ पर काफी अच्छे गीत प्रस्तुत किए। गणतंत्र दिवस ये हमारा अमृत काल है, अमृत महोत्सव है आज़ादी का, और इसी में हमारा गणतंत्र दिवस है जो 1950 में अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया इसलिए आज हम वापस से जैसे मनाते हैं उसको सेलिब्रेशन के रूप में, क्योंकि हमारा देश जो निरंतर और अभी अभी जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हुआ संपन्न हुआ है उससे देश में एक अतिरिक्त बहुत ऊर्जावान होता और ये उत्साह हमेशा कायम रहे, इसलिए हमें अपनी आज़ादी के महोत्सव को भी उसी तरह मनाना चाहिए जैसे हमने रामलला के महोत्सव को मनाया, वो दिवाली के महोत्सव के रूप में मनाया, तो हमारा देश उन्नति करता रहे। हम जस जिस भी पद पर है जहाँ पर भी हम अपने कार्य को ईमानदारी से करें और देश सेवा में लगाएंगे तो देश निश्चित रूप से उन्नति करेगा। और देखने में आता है जनरली डॉक्टर सब थोड़ा सीरियस नेचर में होते हैं पर आपके वहाँ जितने भी डॉक्टर और आप खुद भी है एक अलग ही मस्त मोला माहौल में रहते हैं, आप सभी जो भी त्यौहार होते हैं बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने कर्मचारियों के साथ बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बल्कि लगता ही नहीं कि आप इतने बड़े और इतने स्पेशलिस्ट इंदौर के जाने माने डॉक्टर हैं, क्या कहेंगे लिए? वैसे ही अपना जो साथ में सहकर्मी है मैं उनको स्टाफ नहीं मानता, मैं एम्प्लॉय भी नहीं मानता, ये मेरा परिवार है। आपका परिवार जैसे आप घर में एक परिवार होता है, आपके संस्थान का एक परिवार होता है और ऐसे सारा शहर एक परिवार और देश भी एक परिवार है, कितनी खुशियाँ आप बिखरोगे और ऐसा हर कोई सोचेगा कि मैं खुशियाँ बिखरूँ सोचो कितनी खुशी हो जाएगी, इसलिए खुशियाँ बिखरते रहो। आपका परिचय दी? मैं डॉक्टर प्रमोद भीमा, डायरेक्टर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक सर्जन जॉइंट।